हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसा ही करना, वरना तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। आगे जाके गाड़ी को रोको जरा। इस पर खास नजर रखना। आप बेफिक्र हैं हसन भाई, मैं देख लूंगा इनको, अपनी नजरें नहीं हटाऊंगा इनसे। भाई आकर एक बार दुकान में चीजें देख लें। आइए भाई आइए, हमारे पास नजरेबंद और दुआओं के मोतियों की माला भी है। क्या हुआ, कहाँ जा रही हैं आप? मुझे बाथरूम जाना है। इरादा तो कुछ और लग रहा है आपका। हसन भाई आकर ले जाएंगे आपको, अभी जाएं गाड़ी में। इसके अलावा और भी चीजें हैं मेरे पास। दरवाजा खोले, मैंने कहा दरवाजा खोले वरना बहुत बुरा होगा। हसन भाई खोले दरवाजा। रुके, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैंने कहा रुक जाए वरना बहुत बुरा हो जाएगा, आप एक्सीडेंट कर सकती हैं। रुक जाए हसन भाई। जोरा जोरा, ये तुमने क्या किया? तुमसे कहा भी था कि इस पर नजर रखना। जोरा जोरा जोरा, बेवकूफ आदमी। जोरा रुको, रुक जाओ जरा।
समझने की कोशिश करो। सोरा, सोरा। चलो ख्याल रखना अपना। बात सुनिएगा भाई, क्या आप कहीं जा रहे हैं? जी हाँ। कहाँ? कोरम जा रहा हूँ। क्या आप मुझे रास्ते में कहीं छोड़ देंगे? चलो ठीक है, आ जाइए। अल्लाह खुश रखे, शुक्रिया। वैसे जा कहाँ रही हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैं जरूरी नहीं समझती। अगर आपकी मंजिल मेरे रास्ते पर है तो मैं आपको वहां तक छोड़ सकता हूँ। भलाई का तो समाना ही नहीं रहा। अच्छा तो ठीक है, मुझे टर्मिनल तक छोड़ दो। जैसे आपका हुक्म, छोड़ दूंगा। वैसे आप काफी बदमिजाज हैं। वहां सड़क पर ध्यान दो। जुबान भी बहुत चलती है आपकी। अपना हाथ हटाओ फौरन। क्या बात है, बड़ी मजबूत लड़की हो तुम। ट्रक रोको, मुझे अभी उतरना है। तुम क्या समझी, तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें वहां उतार दूंगा? जरा मेरे करीब तो आओ। अपना हाथ हटाओ, पीछे हटो। ज़्यादा हिलो मत, गाड़ी उलट जाएगी। चलो रुको, गाड़ी रुको। ठीक है, रोक जाओ गाड़ी, चुप हो जाओ। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या कर रही हो? गाड़ी उलट जाएगी, रुको, हटो पीछे। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ बहुत देखी है मैंने। इतनी जोर से काट डाला, जंगली औरत कहीं की। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गई? ये रही, रुको बताता हूँ। आ जा, कहाँ जा रही है? जल्दी क्या है? जाने दो मुझे। चल, जहाँ बोलेगी वहाँ छोड़ दूँगा। आ जा मेरे साथ, ज़्यादा टाइम नहीं है, बस थोड़ी देर। जा, जा क्यों नखरे कर रही है? जाने दो मुझे। आ जाना मेरी जान, तुझे तेरी जगह पर छोड़ भी दूँगा। छोड़ो इसे। तुम दोनों जाओ, अपना काम करो। तुम चलो मेरे साथ। घर की सुबह तुम्हें समझ में नहीं आ रही? चलो मेरे साथ। सुनो नहीं, मैंने कहा छोड़ दो इसे। तुम होते कौन हो? दूर हो जाओ इससे। क्यों दूर हो जाओ? भारी लगती क्या है ये? जाओ अपना काम करो, निकलो। ज्यादा ही हीरो बन रहा। ठीक है भाई, ठीक है,
मारना नहीं मुझे, खुदा के लिए नहीं मारना। जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, ठीक है, जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक हो ना? चलो छोड़ देता हूँ तुम्हें। जहां कहोगी छोड़ दूंगा मैं। आ जाओ। कहाँ जाना चाहती हो बताओ मुझे। यही करीब में बस टर्मिनल तक उतार दीजिएगा मुझे। और वो ट्रक वाला मामला क्या था बताओ। मैंने टर्मिनल तक छोड़ने के लिए कहा था उसे। तो मजबूर किया था तुमने उसे, जबरदस्ती सवार हुई थी। क्या पूछना चाहते हो तुम? क्या किसी के साथ भी सवार हो जाओगे? तुम इतनी नादान हो कि किसी पर भी भरोसा कर लोगे ऐसे? तुम हकीकत से ना वाकिफ हो। तो फिर उस ट्रक में क्या हो रहा था बताओ। पूछगछ करना बंद कर दो। ठीक है चलो। ऐसे थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने पूछ लिया। ये एक्सप्रेस वे है और तुम एक लड़की हो, कैसे सवार हो सकती हो किसी भी ट्रक पे? तुमने क्या सोचा मैं अकेली हूँ? ठीक है गाड़ी रोको, उतरना है मुझे। लेकिन अभी दूर है ट्रक। मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या मतलब है? समझ नहीं आ रही तुम्हें? गाड़ी रोको, रोको गाड़ी। मेरी बात सुनो। बात तो सुनो मेरी। देखो वापस चलो गाड़ी में, टर्मिनल बहुत दूर है और ये रास्ता महफूज नहीं है। और मैं भी महफूज नहीं। माजरत चाहता हूं मैं। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था मेरा। जल्दी चलो। सोहरा रुको रुको रुको, गाड़ी रुको। हसन भाई क्या वो तुम्हारे साथ गाड़ी में थी? सोहरा मेरे साथ थी मगर। मैं तुमसे कह रहा रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ। सोहरा मैं कह रहा रुक जाओ, रुक जाओ सोहरा, रुक जाओ। समझ नहीं आ रहा था? चलो मेरे साथ चलो। जाने दो। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने मुझे। चलो मेरे साथ और चलो। खामोश हो जा। छोड़ो मुझे। मैं कह रहा हूँ चलो। जाने दो। छोड़ो। चलो जोरा। छोड़ो। छोड़ो। बाहर निकालो मुझे। बाहर निकालो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारे पास भाग कर आ गई और तुमने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अगर तुमने बिठाते से कोई अगवा करके ले जाता। वो बाहर निकलना चाहती है भाई। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा। अभी नहीं। हसन भाई खैरियत है? कौन है ये बताइए? बेटी है। क्या वाकई बेटी? हाँ बिल्कुल, मेरी सगी बेटी है ये। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटा मेरा भी छोटा है, इसकी माँ नगदे में और इसे मैं अपने साथ फिकरत की हवेली लेकर जा रहा हूँ। तो इस तरह से क्यों पेश आ रही है? मेरी बात ही नहीं मान रही, मेरे साथ हवेली नहीं जाना चाह रही, जिद कर रही है, बोल रही मैं नहीं जा रही। सोहरा मैं तुम्हें जहन्नुम में नहीं ले जा रहा, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे जिद करती हो। तुम बहुत पछताओगे। ठीक है पछताने दो मुझे। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं कान से आ रहा हूँ, मुझे पत्थर मिल गए, फिकरत ने पूछा था, उसी की तरफ ले जा रहा हूँ मैं। अच्छा मैं कल ही वैसे काम शुरू कर दूंगा,
अगर ठीक लगे आपको तो ठीक है, लेकिन फिकरत साहब ने कहा था कि काम में ताखिर ना हो तो कल आ जाना। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, अकेला छोड़ दो मुझे। सही, ख्याल रखना। ठीक है, शुक्रिया। खुशामदीद। शुक्रिया। खुशामदीद। खुशामदीद बाबा। शुक्रिया। हसन यहाँ है क्या? नहीं, अब तक नहीं आए। क्या जगह तैयार है? जी तैयार है। ठीक है, मेरे लिए कॉफी ले आओ। जब मैंने सुना कि आप आने वाले हैं तो मैंने फौरन कॉफी बना ली। बहुत खूब। बयास, तुमने शाम के लिए कुछ तैयार किया? मैंने बकरे की मंदी, खुबानी का मीठा और कुनाफा बनाया है मैडम। और हाँ, सूप बनाना मत भूलना। ठीक है, मैं अभी बना लेती हूँ। सैलान जी। कहिए अम्मी। मिस्टर फिकरत आ चुके हैं, उन्हें फौरन कॉफी पेश करो। अभी लेकर आती हूँ मैं। चलो बाहर आओ, जल्दी आओ। मैं कह रहा हूं जिद मत करो, मेरे साथ चलो। जोरा, खुश आमदेद हसन। शुक्रिया। खुश आमदेद। क्या इसका कमरा तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है, आप इन्हें ऊपर ले जा सकते हैं। चलो चलो। आ जाओ। कैसी हैं आप? खुशामदीद हसन, तो बेटी को भी साथ लाए हैं? जी अल्लाह के करम से। सिरमा साहिबा के हाथ का बोसा लो, जाओ आगे बढ़ो। मैं तुमसे बोल रहा हूं जोरा, सुनो नहीं तुमने?
ये जरूरी नहीं है हसन, जाओ तुम इसे इसके कमरे तक ले जाओ। जी ठीक है, चलो बेटा आ जा। अम्मी। हाँ। वो लड़की तो वाकई बहुत खूबसूरत है, हसन अपनी बेटी आखिर कैसे दे सकता है, मुझे तो हैरत है। वो बुरे वक्त में उसके काम आए थे, हत्ता के फिकरत साहब ने अपने आबाओ अजदाद की जमीन हसन के नाम कर दी है। जो भी हो लेकिन है तो वो दादा की उम्र के ना, आपको उस लड़की को देखकर रहम नहीं आता क्या? खामोश हो जाओ, सुन लेंगे। आप जरा उसकी तरफ देखे तो सही अम्मी, बिल्कुल डरी सहमी सी लग रही है वो लड़की। और उसके बाप को देख ले, अपनी बच्ची पर जरा रहम नहीं आया उसे। आ जाओ, शाबाश। अम्मी फिकरत साहब आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? करो, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। चलो यहाँ से लड़की, चलो। तौबा तौबा। अंदर आ जाओ। मुझे मजबूर मत करो, अपना सामान उठा कर रखो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जोरा मेरा दिमाग खराब मत करो, अपना सूटकेस खोलो और अपना सामान अलमारी में रखो, दोबारा दोहराना ना पड़े मुझे। यहाँ रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो, तुम्हें फिकरत की जमीनों, अंगूर के बागात और सब्जी की फसलों की मालकिन होगी। यूं समझ लो सब तुम्हारा होगा, सिर्फ इस बारे में सोचो जहाँ तक इसकी जमीन है सब तुम्हारी होगी। अकल इस्तेमाल करो, ये सब तुम्हारा होगा, तुम्हें दर दर की ठोकरे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम नौकरानी नहीं कहलाओगी, तुम मालकन होगी, मालकन होगी। आपने मुझे अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया बाबा, आपने मुझे बेच दिया। ना शुक्री लड़की, आखिर मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तुम्हारी अकल पर पड़ता पड़ गया है। तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा, तुम्हें फिक्र से शादी करनी होगी। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करना होगा। मैं नहीं करूंगी। तुम्हें करनी होगी। मैं उस आदमी से शादी के बजाय पढ़ना पसंद करूंगी। छोड़ दे मुझे। सोना, तुम्हें हर हाल में उससे शादी करनी होगी, हर हाल में शादी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादा, क्या तुम वहां नहीं गए? गया था, वहीं से वापस आ रहा हूं। कितनी देर कर दी तुमने। या अल्लाह, मुझे तुम्हारी दादी की दवाएं लेने जाना था, सुबह से यहीं हूं लेकिन फिर भी ना जा सका। दवाई ले आया हूं मैं। बहुत शुक्रिया बेटा। शर्मिंदा मत करें दादा, अम्मी से कहिएगा कि वक्त पर दादी को खाना और दवा दें और मैं पत्थर उतार कर वापस आऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। लें दादा। शुक्रिया। अब चलो। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह दादा। यूनुस, एक चाय पिलाओ मुझे भी। अभी लाया। जोरा, ये तमाशा बंद कर दो। देखो, मैं फिकरत साहब से वादा कर चुका हूँ, सब कुछ तय हो चुका है। तुम जिद करना छोड़ दो वरना बाकी तुम्हें मार डालूंगा। जिद करना है तो करे, मारे मुझे, जान से मारते, कम से कम मर जाना पसंद करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी मैं। तो तुम नहीं मानो, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, जो छुपे आना छुपे में आ गया।
रुवेदा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? दादी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दादी ठीक है। फिर भाई अंदर चल के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ बताओ कि मुझे। लाना तो तुम पर, तुम किस किस्म के घटिया आदमी हो। मैंने तुमसे कहा था मुझे दोबारा फोन मत करना। बाबा का फोन है और दादा उस घटिया इंसान से बात कर रहे हैं। चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी बातों की कोई परवाह नहीं। तुम मेरे लिए मर चुके हो। उनसे घटिया इंसान कोई हो सकता है? इब्राहिम अब फोन मत करना। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया दादा। फोन रख दें, बस करें। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया प्यारी दादी जान। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया दादी जान, आप ठीक तो है ना? छोड़ दे, मत उठाए। वो फोन करता ही रहेगा बेटा, एक बार उससे निमटने दो। छोड़े, मुझे बात करने दे फिर। मैं उसे समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। बोलो लानती आदमी। बाबा खुदा के लिए ऐसा मत करें, मेरी बात सुने। मैंने कहा था ना मुझे फोन मत करना। मैं कैसे फोन ना करूं? मुझे ये बात पड़ोसियों से पता चली कि मेरी माँ बिस्तर मर्ग पर है। अरे तुम तो हट पीछे। बाबा माँ की तबीयत अब कैसी है? क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारी माँ किस हाल में पड़ी होगी? बीमारियों ने खा लिया है उसे, वो अब बेहतर नहीं हो सकती। मैं आकर माँ को देखूंगा। हर किसी नहीं, समझे? अब कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा मुझसे और इस घर से। मर चुके हो तुम हमारे लिए, समझ गए? बाबा मैं अभी भी आपका बेटा हूँ। उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुम अपने मासूम बच्चों को अपनी शफकत से महरूम करके जा रहे थे। मत आओ, यहाँ कोई तुम्हारा इंतजार या ख्वाहिश नहीं करता। क्यों हो रहे हो? जानते तो हो किस कदर सख्त मिजाज है वो। परेशान मत हो। देखो वैसे भी हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, इस तरह दिन मत खराब करो। चलो देर हो रही है, जल्दी करो। चलो आ भी जाओ। आ रहा हूं। इब्राहिम इकलौता बेटा है मेरा, कुछ ही दिन रह गए हैं, मरने वाली हूँ। शायद इब्राहिम को देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। इब्राहिम सईद, सईद रुको बेटा, सईद रुको बेटा, रुक जाओ, अपने दादा को परेशान मत करो। अम्मी अभी मुझे मत रोके। चाहता था कि इस तरह से तुम्हारे साथ सुलूक हो। सब तुम्हारी जिद के नतीजे में हुआ, सब तुम्हारी गलती है। अब भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ, जिद करना छोड़ दो। तुम्हें फिक्रत साहब से शादी करनी होगी, ठीक है? देखो जिद मत करना। सोरा, हाँ
जोरा, जोरा। ओ खुदा, ये क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने अलावा किसी को तुम्हें छूने की इजाजत नहीं दे सकता। सिर्फ मेरी बीवी बनोगी। निकलो यहाँ से, निकलो! मत भूलो मैं बाप। तुम मेरे बाप नहीं हो सकते। वो रहे मेरे बाबा। कुछ भी कीजिए, मुझे बचा लीजिए अभी। तुम यहाँ आके करोगी भी क्या? गुरबत के सिवा और यहाँ कुछ भी नहीं है। आज के बाद से आपकी कोई बेटी नहीं। सही ऐसा मत करो। सोरा, कोई रा